मैं तो संदीप पात्रा का बाप हूँ। संदीप पात्रा अगर माँ का दूध पिया, भाजपा आरएसएस का कोई प्रवक्ता हमसे डिबेट करके देखे, औकात बता देंगे छठी रात का दूध। वो ऑडियंस में बैठ के किराए के वो जो मदारी का खेल दिखाता है, अपने आदमी से मंजन खरीद रहा होता है, मैं छठी रात का दूध याद करा दूंगा बीजेपी के किसी नेता कि माँ ने दूध नहीं पिलाया, जो हम जैसे को नेशनल चैनल में बिठा के सवाल पूछ ले। खुला चुनौती है, ऐसी बात कह रहे हो यार। कन्हैया कुमार से देखो, खैर वही बात, आप इटली पहुंच जाओ। अरे सुन लो ना भाई, फिर सुन लो ना, आप पर्सनल अटैक नहीं किए, आप जाके बोलते उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को, जिसने देश के महिलाओं को गाय भैंस से तुलना की, जिसने कब्र से निकाल कर रेप करने की बात की, आप पूछते उससे अब्बा जान किसको बोला, अगर उससे पूछे कि तेरा फूफा जान कौन है ढोंगी अपराधनाथ, तेरा तो अब्बा जान जिसने पैदा किया, तू उस अब्बा जान को देखने नहीं गया, अपने बाप को बदल लिया। देश प्रथम तो तब होता जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा और देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में चुनाव नहीं कराते, ट्रंप की गुलामी नहीं करते, माने फ्लाइटों को रोकते, तब समझ में आता। इन्होंने तो अपना काम बनता, भार में जाए जनता, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, पूरे देश को जला दिया। जैसे रावण ने धर्म के लिए लंका को जलाया, देश का कुकर्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधर्म के लिए, अपने सत्ता के अहंकार के लिए पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। अरे सुन लो, फिर बन गया दीप महोत्सव मनाया जा रहा, प्रधानमंत्री फिर कहे लखनऊ में कि दीप महोत्सव मनाया जा रहा है, कान का भी है, सुनोगे। उसी लक्ष्मी बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात देश के प्रधानमंत्री ने की, जो अरे सुन तो लो मैडम जी, सुनो, सुनने के पैसे नहीं लगते, ये मोदी जी का समय नहीं है, जो सभी फोनों में 28 दिन का महीना बना दिया, 13 महीने का साल, और उन्हीं पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से चंदा ले लिया, आप सुनने के पैसे नहीं लगते थे उसके भी लगा दिया, बैंकों में ट्रांजैक्शन के नहीं लगते थे, जैसे गब्बर सिंह देखा है ना, गब्बर सिंह को कोई नहीं था फिर भी डाका डालता था, तो मोदी जी को भी कोई नहीं है फिर भी डाका डाल रहे, तो पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया है आपको पता? अगर आप रोटी खाते हो, रे आप लोग तो हमारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो, सवाल ही नहीं पूछते, कुत्ता भी जिस मालिक का रोटी खाता है सवाल पूछता है, आप पूछो ना सवाल कि भाई जो पीएम केयर में पैसे आए, आप सुन रहे भैया, बीजेपी का तोड़ गया आपके पास है? पूरा देश तोड़ है, ये भारत है साहब, जब भारत की जनता जाग जाती है, जब अपने पर आ जाती है, तो गोरे अंग्रेजों को जैसे लतियाते जुतियाते सात समुंदर पार भेजा, ये भाजपा आरएसएस के जो इनकी जो नजायजे हैं उनको भी भारत की जनता जागने चुकी है। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, देखिएगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जैसे 5 राज्यों में इनका होगा मुंडी साफ। ये यूपी है, 350 पार यूपी में। अरे सुन लो ना, कह तो रहे थे बंगाल में पूरी मंत्रालय ठोक दिए थे, चुनाव आयोग लगा दिए थे, केंद्रीय लगा दिए थे, लोगों ने देखा है चुनाव जितने भी हुए 7 साल के भाजपा के कार्यकाल, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है सर, ये मानना पड़ेगा आपको, यही तो विकास हुआ है कि महिला की साड़ी खोल ली गई, पहली बार विकास हुआ, विकास यही हुआ कि घर घर माँ गंगा ढूंढ रही थी, बनारस की जनता त्रस्त, अब फर्जी गंगा पुत्र मस्त, वो कह रही थी मेरा बेलडा मैं जिसको तपने में दिखाई दिया, वो नुमाइंदे कहते हैं ये तो चुटपुट घटनाएं हैं जो आप गिना रहे हैं, चुटपुट घटनाएं। अगर किसी भाजपा नेता के माँ बहन बेटियों के साड़ी खोल लिए जाते तो ये कहते कि छिटपुट घटना है। फिर बात पूछता हूँ, मैं क्या पूछता हूँ, वाले जो कहते हैं विकास की गंगा वैली डुबकी लगाई, बहुत डुबकी, बहन मनीषा के साथ बलात्कार हुआ 18 दिन तक पुलिस FIR दर्ज नहीं की, ये विकास की गंगा है? कल परसों भी तो विकास हुआ है, आप विकास तो वहाँ डेली होता है भाई, गंगा ने बुलाया था मोदी जी को। अरे भैया कितना साल है मोदी जी का, इतने साल में जब विकास नहीं पैदा हुआ तो आप क्या झकमरा गया होगा बुढ़ापे में, जिनके पुर्जे थे ढीले उसमें ऊर्जा कहाँ से खोजा जाएगा, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश, ये मैं थोड़ा ना कह रहा पुर्जा ढीला के बाद, ये तो गौरव भाटिया ने कहा था, मैं तो सिर्फ याद कराया हूँ कि जिनके पुर्जे थे ढीले उसमें ऊर्जा कहाँ से खोजी गया, विकास होना होता था इतना दिन पहले हो जाता। मंत्री पे मतलब पर्सनली अटैक का बहुत, रूबिका लियाकत को कहती है इतने एनर्जी कहाँ से लाते हो आप, कौन रूबिका लियाकत को सांसद बनना है, जैसे भारत का लुटेरा
भारतीय बैंकों में डकैती डालने वाला सुभाष चंद्रा की तरह सांसद बनना है तो रुपया लियाकत कहती हैं। रुपया लियाकत तो उस समय अफगानिस्तान के पैसे दे रही थी, अर्णब गोस्वामी को नहीं दी, बाबा रामदेव को देती जिसको बाबा कह के चूमती है, लाला रामदेव को भी तो देती पैसे, अब देती अपने पापा को जो तालिबान से वार्ता कर रहे हैं। अरे रुपया लियाकत एनर्जी कहाँ से लाती हैं, क्या खाती हैं गवर्नमेंट? अरे सुनो ना, रुपया लियाकत से पूछो, रुपया लियाकत जी गोबर तो गोबर ही होगा, उसमें ड्राई फ्रूट डालो, घी डालो, शक्कर डालो, तो गोबर को ये हलवा बना के खाने वाले लोग हैं गोबर का। कोहिनूर से महंगा गाय का गोबर, आप कैसी बात कर रहे हैं? संदीप पात्रा को डेली खिलाओ, डेली खिलाओ उसको, बोलो वो तो डॉक्टर है, डेली खाओ, फर्जी डॉक्टर है। और उसको वो तो कहता है, वो तो नहीं, वो तो जरूरत पड़ने पर अपने बाप को बदल लेता है, वो तो कह रहे हैं पूरा देश के बाप हैं। तो संदीप पात्रा चूंकि हराम का खाता है, 27 लाख रुपए का पैकेज लेता है, तो संदीप पात्रा के कई बाप हो सकते हैं, वो जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेता है, उसकी अपनी पर्सनल बात है। मोदी जी के कार्यकाल में कोई अच्छा काम हुआ आपके नजर में जिसमें तारीफ कर लेते दो लाइन आप ही बता दीजिए, बता दीजिए। मोदी जी अगर सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। अच्छा काम तो सबसे बड़ा हिंदू धर्म में यही होता कि आप अपनी जैसी कृति पैदा करो, ये सबसे अच्छा काम। राहुल गांधी का बच्चे नहीं है, शादी नहीं ना किया, शादी किया जसोदा बेन की तरह मांगे सिंदूर भर के छोड़ दिया। अरे आप लोग कांग्रेस के कथा, बाल विवाह हुआ उनको पता ही नहीं था। अरे सुन लो, किसका बाल विवाह हुआ? मोदी जी का। 18 साल में बाल होता है, कहाँ से आते हो पढ़ के भैया? अरे 18 साल में बांसकांठा जिले की जसोदा बेन के साथ शादी किया, 2 साल तक घर बसाया, 40 साल भीख मांगी, आप समझो 40 साल तक भिखारी रहे, भरी जवानी भीख मांगा, और बुढ़ापे में कहता 18-18 घंटे काम करता हूँ, ये तो शुक्रिया अदा करता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगलों में शिकार कर रहे होते, हम पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते। 18 साल में उन्होंने शादी करी, 40 साल भीख मांगे, 58 ये हो गए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे वो, 7-8 साल या उनकी उम्र तो और भी ज्यादा ऊपर जा रही है। पूछो ना उनसे, मेरे से क्या पूछ रहे हो, एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस कब किए, कब चाय बेचे, कब नाला से गैस बनाए, कब चावल के भूसी से तेल बना लिए, तब पूछो ना जाके। इतने बड़े अद्भुत वैज्ञानिक हैं, जिसको नाले से गैस निकालने आता है तो गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ा रहा? अगर दूसरी पार्टी की सरकार होती नवरात्र में, अरे बुजदिलो